नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 465 चलंत दस्ता सिपाहियों की नियुक्ति, अब सख्ती से होगी ट्रैफिक नियमों का पालन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सख्ती बरतेगी बिहार सरकार, वोटिंग के 24 घंटे पहले उपद्रवियों को उठाएगी पुलिस। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का रुकेगा वेतन, संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर एक्शन लेगी सरकार। खत्म हुआ इंतजार, दुर्गा पूजा पर इस बार पंडालों में विराजेंगी माता रानी, प्रशासन से मिली हरी झंडी, आगे जानिए पूरी डिटेल। अनुकंपा पर नौकरी को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के आश्रितों को वेतनमान वाले पद पर बहाली नहीं। बिहार सरकार को फिर से नहीं मिले योग्य शिक्षक, आगे जानिए क्या फिर से अभ्यर्थियों को चांस देगी सरकार। बिहार सरकार में परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में विश्वेश्वरैया भवन सभागार में चलंत दस्ता सिपाहियों के इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चलंत दस्ता सिपाही के 34 सिपाहियों को शीला कुमारी के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी के चयनित सिपाही को 1 सितंबर को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मंत्री शीला कुमारी ने सभी नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। परिवहन विभाग के अंतर्गत चलंत दस्ता सिपाही के 496 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा अधियाचना केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना को भेजा गया था। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच में सफल होने के बाद 465 अभ्यर्थियां चयन पार्षद द्वारा चयनित किए गए हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन से संबंधित नियमों अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, ओवरलोडिंग पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने तथा प्रवर्तन तंत्र को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से चलंत दस्ता सिपाहियों की नियुक्ति की गई है। सभी को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। परिवहन विभाग के कार्यों में DTO, MVI और ASI की मदद करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पटना SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वोटिंग के 24 घंटे पहले हर पंचायत से उपद्रवियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। SSP ने वोटिंग के 24 घंटे पहले हर पंचायत से 10 उपद्रवियों को उठाने का निर्देश दिया है। SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने सभी CTSP, DSP और थानेदारों को आदेश दिया है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों की लिस्ट बनाए। हर एक पंचायत से 15-15 लोगों में से 5-5 लाख का बाउंड लिखाना है। बाउंड में उन्हें यह लिखाना होगा कि चुनाव को वह किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे, चुनाव के दौरान किसी से मारपीट या किसी तरह की वारदात नहीं करेंगे। अगर वे इस बाउंड के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें 5 लाख रुपये जमा करना होगा और उन पर सर्टिफिकेट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। के साथ ही चुनाव से पहले हर एक पंचायत से 10-10 ऐसे उपद्रवियों को उठाना है जो चुनाव में गोलीबारी, मारपीट, लाठी डंडे का प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्याशी को धमकी भी दे सकते हैं। बिहार सरकार अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त रोक अख्तियार करने वाली है। सरकार के नियमानुसार समूह ग के कर्मियों और अधिकारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। हर साल फरवरी महीने तक सरकारी कर्मी इसे अपने विभाग में जमा करवा देते हैं, लेकिन कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे कर्मियों पर अब सरकार सख्त हो गई है। तय समय में संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहले तो उनका वेतन रोका जाएगा और फिर से ब्योरा नहीं सौंपा गया तो इसे गंभीर कदाचार मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इस पत्र में इस बात की चर्चा है कि हर साल 28 से 29 फरवरी तक समूह क और ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल संपत्ति का विवरण सरकार द्वारा तय किया गया है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा यह समर्पित नहीं किया जाता है या फिर निर्धारित अवधि के बाद संपत्ति का ब्यौरा कई कर्मचारी और अधिकारी नहीं देते हैं। इसे गंभीर कदाचार मामला मानते हुए कई ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिहार में कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल दुर्गा पूजा के समय पंडालों में माता रानी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पंडाल में ही होगी। पूजा समितियां भव्य पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए पूजा समितियों को हर साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना पर रोक लगाई गई थी, उस जगह पर कलश पूजा की गई थी। इस बार जिला प्रशासन की तरफ से
हरी झंडी मिलने के बाद पूजा समितियों में उत्साह का माहौल है। पूजा आयोजन को लेकर सभी समितियां अपने सदस्यों को सूचना दे चुकी है। कई पूजा समितियों ने मूर्ति और पंडाल निर्माण के लिए कारीगरों से बात भी कर ली है और इसके साथ ही कारीगरों को एक सप्ताह तक का समय भी दिया जा चुका है। अनुकंपा पर नौकरी को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि सेवाकाल के दौरान मरने वाले शिक्षकों के आश्रितों की बहाली को लेकर अब नई अधिसूचना जारी की है। राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक मध्य विद्यालय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में राज्य प्रमंडल जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक शिक्षक कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रितों के नियोजन या नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुपालन में यह जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से उक्त कोटि के शिक्षकों के पद पर रहते हुए मृत्यु होने के कारण प्रमंडलीय संवर्ग या जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस तय समय सीमा के पहले मृत हेडमास्टर शिक्षक कर्मी के जिन आश्रितों का सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकंपा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग 3 अथवा 4 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई हो, उन आश्रितों की वर्ग 3 अथवा 4 के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 के प्रभाव से की जाए। जिला स्तरीय अनुकंपा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग 3 अथवा 4 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर जिन आश्रितों की 1 जुलाई 2006 के बाद जिला अथवा प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर नियमित वेतनमान पर नियुक्ति की गई हो, उनके वर्ग 3 एवं 4 के विरुद्ध नियुक्ति की जाए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार लगातार शिक्षकों की बहाली कर रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हर प्रयास के बावजूद बिहार सरकार को अब तक योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। बिहार में 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी 47,000 से ज़्यादा पद खाली है। 2 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद अब तक केवल 38,014 अभ्यर्थियों का चयन हो पाया है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए सामान्य विषय में 43,742 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें 23,528 पद खाली रह गए हैं। इन कक्षाओं के लिए अब तक 24,214 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए 23,206 रिक्त पदों में 11,728 अभ्यर्थी मिले हैं, जबकि 11,778 पदों पर अभी भी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। शिक्षक नियोजन के दौरान योग अभ्यर्थियों की कमी के कारण शिक्षा विभाग को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर योग अभ्यर्थियों को ही शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को बेगूसराय जिला समाहरणालय में डीएम अरविंद कुमार वर्मा के साथ बैठक की, जिसमें उद्योग विभाग से संबंधित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बिहार सरकार का बेगूसराय जिले में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक बेगूसराय समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल सभागार कक्ष में हुई। इस बैठक में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बेगूसराय जिले में उद्योग विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के साथ साथ बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जिले में कार्यरत एवं अनुदान प्राप्त इकाइयों व लोहिया नगर स्थित रेशम फार्म की समीक्षा की। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और इसमें गति लाने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, उद्योग विभाग के डायरेक्टर पंकज दीक्षित, एडीएम बलागुद्दीन, डीडीसी सुशांत कुमार, उद्योग विभाग के जीएम डीआईसी राजकुमार शर्मा, बिजली विभाग से बरौनी और बेगूसराय के कार्यपालक अभियंता समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 24 सितंबर से आरंभ हो रहे 11 चरणों के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन के पूर्व सूचना देनी होगी। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सभा आयोजन के क्रम में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमति सभा के पूर्व
प्राप्त करनी होगी। लाउड स्पीकर या हैंड माइक का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र हैंड माइक से प्रचार मतदान के 48 घंटे पूर्व शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस या अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर जमादार या उसके ऊपर कोई भी पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकेगा। इसके उल्लंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार में एक बार फिर से बालू का खनन शुरू होने जा रहा है। अगले महीने के बाद 1 अक्टूबर से बालू खनन को फिर से चालू करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक लगा रखा है। तकरीबन 3.5 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाली नीतीश सरकार इस बार बालू माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने की कोशिश कर रही है। नीतीश सरकार बिहार में इस बार बालू का खनन शुरू होने के साथ ही अवैध खनन, बालू के अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा कि इस महीने के बाद 1 अक्टूबर से नदी घाटों से फिर से खनन शुरू हो जाएगा। इसके तहत नदी घाटों पर खनन की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जांच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में लगभग 350 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पर्यावरणीय स्वीकृति के इंतजार में अटकी हुई है। इसकी मंजूरी मिलने और नए बालू घाटों के नए बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन शुरू करने के लिए जरूरी अथॉरिटी सिया का पुनर्गठन इसी महीने होने की संभावना है। इस नए बालू घाटों के खनन शुरू होने से लोगों को अपने जिले या जिले के नजदीकी आसानी से बालू मिल सकेगा। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू कराने को लेकर कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा, लेकिन सुपौल जिले में बीते 10 अगस्त से छापेमारी अभियान बंद है। इसका कारण जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पेट्रोल पंप के मालिक ने उत्पाद विभाग को पेट्रोल देना ही बंद कर दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा है कि पहले 5,85,000 रुपये जमा कीजिए, तभी पेट्रोल मिलेगा। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि विभाग की ओर से अभी 80,000 रुपये ही आवंटन किया गया है, लेकिन सुपौल उत्पाद विभाग को 10 अगस्त से ही पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। जिस पेट्रोल पंप में तेल मिलना था उसके संचालक ने विभाग को 5,85,000 रुपये का बिल थमा दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक ने पत्र के जरिए विभाग को यह कहा कि जब तक पुराने बिल का हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा तब तक विभाग की गाड़ी को तेल नहीं दे सकते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहने के कारण 10 अगस्त से ही छापेमारी अभियान बंद है, जिसके कारण शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी नहीं हो रही है। 2 सप्ताह से उत्पाद की टीम फील्ड में छापेमारी के लिए नहीं जा पाई है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।